हेलो फ्रेंड्स, फाइनली दो दो नए मोबाइल आ गए घर में। तो एक ध्रुवी का भी आ गया, ख़राब हो गया तो, और घनश्याम ने भी अपना नया मोबाइल ख़रीदा है। कौन से खरीदे? एक है नोट 3 वन प्लस का 256 GB और दूसरा है रेडमी नोट 12 प्रो 5G। और बहुत ही एकदम मस्त लाइट वेट है, बहुत ही अच्छे दोनों मोबाइल आज हमने ले ही लिए। दो तीन दिन से सोच रहे थे लाने के लिए, लेकिन कौन सा ले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फाइनली दोनों के नए फ़ोन आ गए और अभी सारी ऐप और सब कुछ नया, पूरा नए सर से पूरा मोबाइल अपडेट करना पड़ता है, तो वो हो रहा है। बस आज आया है तो मैंने सोचा चलो रात से ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और फिर मिलते हैं सुबह से, यही व्लॉग कंटिन्यू होगा। तो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। मैं अभी जा रही हूँ मम्मी के घर और फिर हम तीनों दीप्ति, मैं और किरण जाएंगे राखी लाने के लिए। तो मम्मी के घर जाके मिलती हूँ आपसे। मैं आ गई हूँ टाइम से घर पे, लेकिन ये दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई है। कहाँ गया एक इंसान जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है? ना तो दीप्ति तैयार है, ना किरण तैयार है, दोनों में से कोई तैयार नहीं है। तेरे को नहीं लाने वाली मैं। और एक और कहाँ छुप गया है जिसने अभी तक अपने बाल तक नहीं खोले? ये देखो, लास्ट टचिंग चल रही है, मेकअप चल रहा है। हमारा टाइम कितने बजे का था? 12 बजे निकलना था। और कितने बजे? 12 में 5 कम है, 12 बजने में 5 मिनट देर है। मतलब ये लोग ऐसे कि 12 बजे बोला है तो 12 बजे ही निकलेंगे, उससे पहले हम लोग नहीं निकलेंगे। मैं कल, अब 5 मिनट मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हम लोग निकलेंगे। ये हो गई तैयार और ये रहे। ये हमारा लॉल हो गया। मैंने इनके खिलाफ जितना बोला तब वीडियो ऑन नहीं था, तो ये लोग 5 मिनट लेट तैयार हुए और दीप्ति ने इसका रीजन दिया कि लड़कियां 5 मिनट लेट तैयार होती। नहीं, 5 मिनट नहीं, वैसे तो बहुत लेट तैयार होती है, पर हम तो फिर भी थोड़ी 5 मिनट सिर्फ बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मतलब ये लोग अपना 5 मिनट भी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, ये लोग 5 मिनट ही लेट हुए। न जाने कितना, एक एक घंटा लड़कियां ऐसे नहीं बोलते, एक पिक्चर में देर लगेगी। तो निकले अब हम कैब में, हमारी गाड़ी वही है। मैंने बोला ऑटो रिक्शा में चलते, लेकिन इन लोगों ने कैब की है। रिक्शा वाला जो गाने बजाता है वो मुझे बहुत पसंद है। किरण कोई इतना ज्यादा लाइव अच्छा चल रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे यहाँ पे दो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरी एक बहन है, उसको फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, फॉलो करो जो करना। दोनों पीछे बैठे बैठे सुन रहे हैं बातें, किरण चल रही है अपनी लाइफ। अरे राखी, ये क्या हुआ, तेज बारिश आई? जब हम जा रहे तभी बारिश आई है, मतलब कहीं पे जाओ तब बारिश तो पक्का है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल यार, भगवान थोड़े सा रहम करता। फर्स्ट बार जा रही है शाहीबाग, मतलब शादी के बाद यहाँ अहमदाबाद आई उसके बाद, है ना। हाय सतीश, कभी ऐसे अजीब से लग रहा है, मैं ऐसे घुसती हूँ कभी कभी, कोई मार्केट वार्केट ऐसे गली में नहीं, रोड से। अरे फिल्टर आ गया, फिल्टर। इस बार वेकेशन में भी वो अपने मम्मी के वहाँ गई हुई थी, वरना वो वेकेशन में रहती तो पता चलता कि हम लोग क्या हो जाते हैं। बहुत बहुत मजा करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा आज मैं दीप्ति को पानी पूरी खिलाऊंगी, जो छाछ लस्सी या कुछ भी बोल लो वो वाली, आज वो पानी लस्सी। हाँ, एक मतलब वो साग पानी वाला आता है ना, संजू, उसमें एक बार वो एक पूरी है ना छाछ जैसा वो भर के देता है। उसके अंदर मसाले के अंदर, मतलब इतनी जगह पे पानी पूरी खाई है। शाहीबाग में एक भाई है, वो उसके पास ऐसी पानी पूरी छाछ वाली भी। गाइस मैं नहीं खा सकती, मेरा श्योर व्हाई नॉट सतीश। कर ली हमने ये राखी सिलेक्ट, ये रही हमी, और काफ़ी सारी हमारी शॉपिंग हो गई है, ऑलमोस्ट सबके लिए हमने राखी खरीद ही ली है। हो गई ना दीप्ति तेरी शॉपिंग? हाँ।
अच्छा बस क्या तेरी भी हो गई? बस हो गई हमारी राखी की शॉपिंग तो हो गई। राखी के लिए तो बहुत सुंदर सुंदर राखी आई है इस बार, तो हमने कर ली करी और भैया के पास में बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ हैं, और घर जाके सारी राखी आपको दिखाएंगे कौन कौन सी राखी खरीदी हमने। ये यहाँ जो भैया है उनके पास मिलती है छाछ वाले पानी, भैया ये छाछ ही बोलते हैं लस्सी बोलते हैं क्या बोलते हैं? रायता, जा रायते वाली पूरी मिलती है इनके पास में। तो आज पहली बार किरण ही यहाँ से पहली बार खा रही है, और दीप्ति तो खा नहीं रही, उसकी ग्यारह का व्रत है, तो वो दोबारा जब आई है तो सबसे पहले मुझे वो रायते वाला था। ये भैया के पास में है ये रहा रायते वाली पूरी, अच्छी लगी आपको रायते वाली? बहुत टेस्टी है। राजस्थानी पानी पूरी, ये राजस्थान की खाने वाले राजस्थान में, खिलाने वाले भी राजस्थान। मम्मा दीदी की पकौड़ी में से पानी निकल गया था, उन्होंने वापस रिफिल कराया। फाइनली हमने दीप्ति का व्रत आज छुड़वा दिया है, और जो हमारी फेवरेट पानी पूरी है वो पिला रहे इसको। पहली पूरी उसकी है, कैसी लगी? अच्छी है ना? तो सामने भैया बना रहे दाबेली, और ये दाबेली कम से कम हम लोग 10 साल से इन भैया से दाबेली लेते हैं और खाते हैं, और बहुत ही टेस्टी। और आज दीप्ति शादी के बाद फर्स्ट टाइम इस तरह हमारे साथ घूम रही है, तो दीप्ति का पहला एक्सपीरियंस, और आज हमने दीप्ति का 11 का जो उसका फास्ट था वो हमने तुड़वा दिया है। हमने कहा आज खाना ही पड़ेगा तुझे। तो ये बना रहे दाबेली, लिए हम खाने वाले भी हैं यहाँ पे, और घर पर भी पार्सल लेकर जाएंगे। तो हम लोग आ गए घर पे, और आज मैंने जैसे बताया वहाँ पे तो दीप्ति के 11 थी, पर हमने कहा कि वो हमारे साथ इस तरह से, किरण भी बहुत कम आती है खास, तो हम 3 बहनें जाते हैं खास, और मम्मी 4 लोग हम ज़्यादातर जाते हैं। तो एक दीप्ति और किरण आती है, लेकिन इतना नहीं उसका कोई मतलब, इतना नहीं आती हमारे साथ, क्योंकि उसका उसकी जॉब और उसकी वजह से वो बिजी होती है। तो और दीप्ति की शादी मतलब नई शादी थी, तो ज़्यादातर वो अपने जाहिर है मम्मी के घर ज़्यादा जाते हैं, तो हुआ। और छुट्टियों में भी वैकेशन में वो आ गई हुई थी, तो उसका भी हम लोग मेरे साथ मतलब उसका इस तरह से घूमना फर्स्ट टाइम था, और मुझे था ही कि मैं दीप्ति को वहाँ की पानी पूरी खिलाऊँ, क्योंकि रीटा दीदी और मैं स्पेशल वहाँ की पानी पूरी खाते, अगर एक बार वो भैया नहीं तो हम बहुत दुखी हो गए थे, कर ये भैया नहीं है। तो बस हमने फिर दीप्ति को कहा कि अरे ऐसी मतलब ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, खा पी के ऐश करो, खा ले, चल खा ले, भगवान जी तो चाहते कि आप अच्छे इंसान बन के रहें, अच्छे काम करें, किसी के लिए बुरा ना सोचे, और अगर आपसे हो सकती है तो हेल्प करें किसी की, फालतू में किसी की बुराइयाँ ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचे, किसी पर हंसे नहीं, मतलब ऐसी गंदी हरकतें ना करें हम अपनी लाइफ में, और अच्छा अच्छा करें, तो भगवान जी तो वैसे ही हमसे खुश रहते हैं, अच्छे काम करने से, अच्छा सोचने से, और अच्छा मतलब दूसरों के लिए हम कुछ भी हेल्प कर सके ऐसा करने से भगवान जी खुश होते हैं। तो फिर उसको भी समझ में आ गया कि हाँ भगवान जी तो, और अपनों के साथ और इतने प्यार से
मतलब फर्स्ट बार उसका था, तो वो फिर तो वो लोग जाएंगे, वो पुरानी जब शादी को बहुत साल उसके हो जाएंगे धीरे धीरे, तो वो तो अपने हिसाब से फिर तो जाएगी, खाएगी, सब कुछ करेगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी अभी मतलब इतनी थोड़ा उसका नया नया है, तो हम उसके साथ रहें, उसको उसकी हेल्प करें, उसे कुछ चीज़ अच्छी हमें लगती है तो वहाँ पर उसको लेकर जाए, टेस्ट करवाएँ, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि एक भाभी ननद का रिश्ता ऐसा होता है ना, जो मतलब शादी के बाद भाई के साथ इतना नहीं, लेकिन जो भाभी के साथ की अटैचमेंट होती है ना, वो ही मैन होती है। तो मैं तो उस बॉन्डिंग में बहुत बिलीव करती हूँ, तो हमेशा ननद भाभी का रिश्ता अच्छा बना रहे, हम एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और इस तरह से साथ में जाएं तो कितना अच्छा लगता है। जब अपने अपने जाते तो एक और ही मज़ा होती है। तो बस, और फिर लेकर आए हम लोग राखी, तो मैं तो आ गई हूँ अपने घर, क्योंकि बच्चे आ गए थे, तो किरण और दीप्ति की राखी उनके पास है। और मैंने कौन सी राखी खरीदी है फिलहाल ये नहीं बताऊंगी कि किसके लिए कौन सी राखी है, लेकिन कौन सी राखी मैं खरीद के लेकर आई हूँ वो दिखाती हूँ। ये चीज़ और देखने को मिलेगी। मैं कह रही थी कि वो लोग अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गई, लेकिन सरप्राइज ये हुआ है कि इन्होंने एक ही लॉक लगाया था और दूसरा, तो इनके दीप्ति के जो पति देव है और मेरे भाई श्री हैं, वो दूसरा बाहर का लॉक लगा के भी चले गए। तो फिर ये लोग दोनों अब आ गए मेरे घर, तो अब इन लोगों ने कौन सी राखी खरीदी है वो सारी राखी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने एक ये वाली राखी ली है और एक ये वाली, छोटी छोटी, मुझे ऐसे छोटी छोटी राखियाँ पसंद है, ये और एक ये राखी है, और ये भगवान जी के लिए हैं पूंछ के रबर बैंड लेकर आई हूँ, और ये मैंने नवरात्रि पे चनिया चोली बनवाने के लिए एक मटेरियल लिया है, और ये किरण ने लिए हैं भगवान जी के लिए पूंछ के, और एक ये राखी ली है किरण ने, इस तरह की राखियाँ ली है। अभी ये नहीं बता सकती कि ये राखी किसके लिए है, क्योंकि वरना पहले ही पता चल जाएगा। और दीप्ति कुछ दिखा रही है और सुंदर राखी, ये रही कितनी प्यारी, ये एकदम क्यूट सी राखी है ये, और क्यूट सी राखी दिखा रही है, ये रही और एकदम क्यूट सी राखी, और ये सब बाकी दीप्ति ने भी, उसको भी थोड़ी सिंपल पसंद है, तो उसी तरह की राखी ली है। तो हमने सब ने इसी तरह से, हम सबकी चॉइस एक ही है, तो हमने उसी तरह की राखी ली है। और एक ये है दीप्ति के लिए, दीप्ति ने लिया है अपने कुर्ते के लिए कपड़ा, और मैंने उसको पहले ही बर्थडे गिफ्ट दिला दी है, ताकि सिलवा के वो अपने प्री बर्थडे या आफ्टर बर्थडे पहन लेगी। और ये किरण की एक साड़ी है येलो कलर की, उसने लिए उसके लिए उसने लिया है, और उसने रेड वेलवेट का ये पिंक कलर का लिया है ब्लाउज के लिए, ब्लाउज सिलवाएगी इसका, इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में। तो बस आज की यही है हमारी शॉपिंग, बस आज हमने राखी की शॉपिंग कर ली, हो गई हमारी राखी की शॉपिंग, हम तीनों ने तो कर ली है, और सबकी हो गई, मतलब हम सबकी राखी की शॉपिंग हो गई है। और ये किरण आई है मेरे साथ पीछे, नमस्ते मेरी बहन की, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आज एंडिंग ये लेने वाली है तो बोल दे। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अगर आज की ब्लॉग पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।